फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी। इतिहास में एक से कर एक महान योद्धा हुए है। देश के खातिर इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। 1857 की क्रांति से पहले से लेकर देश की आजादी अर्थात 1947 तक कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीके से जंग लड़ी थी। अंग्रेजों से जंग लड़ने वाले एक महान क्रांतिकारी तात्या भील भी थे। तात्या भील का जन्म 26 जनवरी मतलब कि हमारे गणतंत्र दिवस के दिन ही हुआ था। 26 जनवरी 1842 में मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के विरधा ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बाऊ सिंह था। उनके पिता एक साधारण कृषक थे। उन्होंने अपने पुत्र को लाठी गौफन व तीर कमान चलाने में प्रशिक्षण दिया था। अगर सरकारी कर्मचारी अन्यायी और अत्याचारी न हुए होते तो तात्या भी एक सामान्य सा कृषक की तरह ही जीवन गुजार कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन विधाता ने तो उनके लिए कुछ असामान्य ही सोच रखा था। एक वर्ष उनके क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ गया था। तात्या ने न स्वयं लगान दिया और न ही अन्य लोगों को लगान देना उन्हें रास आया। इस प्रकार उन्होंने लोगों को बोला कि लगान न देने का प्रस्ताव दिया, जिससे वह सरकारी अधिकारियों के प्रति भेरी हो गया था। और तात्या भील ने गैर कानूनी रूप से जमीन को जोता, उससे उन्हें एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गई थी। सजा पूरी हुई, जेल से छूटकर तात्या को मजदूरी की तलाश थी। और उस वक्त ग्राम का प्रधान हिमन पटेल तो चाहता था कि तात्या उसके यहाँ सेवाएं दे, परंतु तात्या ने उसके यहाँ दास्ता बिल्कुल भी कबूल नहीं किया। इस प्रकार हिमन पटेल और तात्या के बीच में बैर हो गया। कुछ दिनों के बाद एक शख्स के यहाँ चोरी हो गई। चोर पकड़ा गया, परंतु हिमन पटेल ने चोर से कहा कि यह चोरी का नाम तात्या के नाम पर जोड़ दे। तो चोर ने तात्या का नाम ले लिया, जिससे पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और इस प्रकार तात्या भील को इस दफा जब तात्या जेल से निकला तो वह अलग ही शख्स था। वह एक साधारण किसान की जगह वो बाहुबल से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जंग के लिए लड़ने वाला विद्रोही बन चुका था। वह हिमन पटेल से बदला लेना चाहता था, इसलिए हिमन पटेल के साथ बनाकर ले जाता था जब उसके वहाँ कोई सामान लेकर आता था। इस प्रकार हिमन पटेल बहुत परेशान हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना तात्या भील को धोखे से एक बार फिर से पकड़ाया जाए। तो उन्होंने बहुत सी खुशामद करके तात्या और उनके साथियों को अपने यहाँ दावत पर बुला लिया। तात्या उसके बहकावे में आ गया। हिमन पटेल ने पुलिस से संपर्क साधा हुआ था, और जिस वक्त तात्या और उनके साथी भोजन कर रहे थे उसी वक्त पुलिस ने चारों तरफ से उन्हें घेर कर पकड़ लिया। उन पर मुकदमा कायम हुआ और फिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा की जेल को बंद। तात्या भील का संकल्प और हौसला इतना मजबूत था कि उसको जेल की दुर्भेद दीवार भी नहीं रोक सकी, और वह जेल से फरार हो गया और उसे पुनः गिरफ्तार नहीं किया जा सका पुलिस के द्वारा। तात्या को अब केवल हिमन पटेल से बदला ही नहीं लेना था और अपने दल को भी फिर से खड़ा करना था। एक रात्रि उसने हिमल पटेल के घर पर धावा बोल दिया और उसे तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारा दिया गया। उसके पश्चात पुलिस के अधिकारियों से भी तात्या की जबरदस्त दुश्मनी हो चुकी थी। आगामी 8 वर्षों में तात्या के दल ने 400 से ज्यादा अधिक। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार और तात्या भील के बीच वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। 45 वर्ष की उम्र हो जाने पर तात्या को लगा कि अब उसे आराम की जरूरत है। उसने पुलिस से समझौता करना चाहा, और किंतु जिस मध्यस्थ ने उसे यकीन दिलाया कि वह पुलिस से उसका सम्मानजनक समझौता करा देगा, उसने विश्वासघात किया और तात्या को धोखे से गिरफ्तार करवा दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तात्या को उसकी औपचारिक बहन के पति गणपत के विश्वासघात के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। तात्या भील की गिरफ्तारी की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के 10 नवंबर 1889 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की गई। इस समाचार में उन्हें भारत के रॉबिन हुड के रूप में वर्णित किया गया, अर्थात तात्या भील को रॉबिन हुड, भारत का रॉबिन हुड का खिताब खुद अंग्रेजी सरकार ने ही दिया था। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने तात्या भील को धोखा धड़ी से पकड़ लिया था और उन्हें जंजीरों से जकड़कर जबलपुर जेल में रखा गया था, जहाँ ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया था। 4 दिसंबर 1879 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने उसके शव को इंदौर के निकट खंडवा रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया था। इस जगह तात्या की समाधि स्थल माना जाता है। इस रेल मार्ग से गुजरने वाली प्रत्येक ट्रेन
आज भी तात्या भील के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए थोड़ा रुक जाती है या अपनी स्पीड को अपनी गति को थोड़ा धीरे कर लेती है।